तो फ्रेंड्स, लंबे बालों में ना कॉम करना थोड़ा सा टफ होता है। टफ तो क्या, थोड़े बाल सुलझाने थोड़े से टफ होते हैं। तो आज ना मैं आपको यही बताऊंगी कि मैं अपने बालों में ना इजीली कॉम कैसे कर देती हूँ, और इजीली मेरे बाल जो है ना कैसे जल्दी से बिल्कुल सुलझ जाते हैं और बाल गिरेंगे भी नहीं। इसका एक सीक्रेट तरीका है। मैंने ना अभी अपने बाल जो हैं वॉश किए हैं, तो इस साइड से तो मैंने ये बिल्कुल निकाल दी इनकी सुलझने, और ये वो भी हाथों से ही। तो सबसे पहले ना आपको अपने बालों को ऐसे से करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और अपने हाथों की ही हेल्प से ना बालों को ऐसे हल्के हल्के हाथों से, इनकी जो लटे जो आपस में उलझी है ना, इनको सुलझाना है। और ऐसे करने से ना ये बहुत इजीली जो है खुल जाते हैं आपके बाल, मतलब जो ये बाल आपस में उलझे होते हैं ना, तो ये इजीली सुलझ जाता है। तो ये ना मैंने अपने हाथों से ही अपने बालों को सुलझा दिया है, ये देखिए। ठीक है, अभी मैंने कॉम जो है इसमें यूज नहीं कर रखी है, तो अब जो है ये मेरी कॉम है। और जितना हो सके ना, लंबे बाल आपके जैसे भी बाल हैं, बालों में हमेशा जो है ना इतनी चौड़ी वाली कॉम यूज करें। और सबसे पहले बालों को यूं नीचे से हमें करना है, ऐसे से करके थोड़ा सा ऊपर से पकड़ना है, ये देखिए। ठीक है, ये देखो अभी तक एक भी बाल नहीं टूटा। और ये देखो, ये वाली साइड में तो एक मेरा भी नहीं लगा इनको साफ करने में। अब मैं आपको ये वाली साइड करके दिखाती हूँ। इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है, बालों को करके फिर थोड़ा ऊपर से बालों को। और ये देखिए, बालों की उलझने मैंने कितनी जल्दी क्लियर कर दी। ऐसे करके ना आपके बाल भी सीधे होते हैं और बालों में उलझने भी नहीं पड़ती है। ये लीजिए, और मेरे जो बाल टूटे मैं बताती हूँ आपको। देखो, अभी आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक बाल ये, दो बाल, दूसरा बाल ये, बस सिर्फ तीन बाल टूटे ओनली मेरे। बाकी मेरे बालों में कुछ भी, कोई ज्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ। तो ये देखो, हो चुका है बालों में कॉम हो चुकी है। ये देखिए, हो गई ना इतनी जल्दी सी कॉम बालों में। तो मैं ऐसे ही अपने बालों में कॉम करती हूँ, और ये देखो।